जब दो भाइयों में लड़ाई होती है ना, आपने मोहल्ले में देखा होगा, मोहल्ले में गांव में देखा होगा, जब दो भाइयों में लड़ाई होती है तो कुछ बदमाश पड़ोसी होता है ना, वो आता है कंधे पे हाथ रखने के लिए, अरे रे 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 तुम्हारे साथ बहुत गलत हो गया यार, एक काम करो छोड़ो उसको, आओ मेरे घर चलो खाना खिलाते हैं, आओ मटर पनीर बनाया मेरे घर में, चलो चलो चलो। और आप अगर उस वक्त उसके घर चले गए, कब्जा कर लेगा आपके खोपड़े पर, वो आपके भाई से अगले दिन निश्चित लड़वा देगा वो, क्योंकि उसका इंटेंशन ही वो कमजोर है ना, वो आपसे नहीं लड़ सकता, आपके भाई से नहीं लड़ सकता, और आप दोनों अगर साथ हैं फिर तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसको पता है कि दोनों को अलग करो फिर दोनों को मार देंगे, दोनों का खेल खत्म कर देंगे। ऐसा जब भी होना सर, आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, किसी से लड़ाई होना और कोई तीसरा पर्सन हस्तक्षेप कर रहा है, तुरंत उसको मना कर दो, ए निकल जाओ, अब भी कभी निकल जाओ, मेरा भाई है मेरा दोस्त है, तुम कौन होते बोलने वाले भाई। कई लोग आपको मिलेंगे, अरे तुम्हारा अपलाइन तुमको ज्वाइनिंग नहीं देता क्या, मेरा अपलाइन तो मुझे देता है, दोनों लेग में देता है, इधर भी देता है उधर भी देता है। और अगर आपने उसकी बात सुन ली, सुनते 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 सुनते, कान का कनेक्शन सीधा दिमाग से है, ये चीज ध्यान रखना, हमारा जो स्ट्रक्चर है कान का कनेक्शन सीधा दिमाग से है, ये दरवाजा अगर खुला है और इसमें गंदगी जा रही है जा रही है जा रही है, वैसे कहावत भी है, घड़े में रखे पानी से अगर बदबू आ रही है ना, इसका मतलब किसी ने उसमें गंदगी डाली है। ये घड़ा है हमारा, इसमें जितनी गंदगी जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, यहां से बदबू आएगा, हमारे जुबान हमारे शब्दों से बदबू आएगा, हमारे कैरेक्टर से बदबू आएगा, हमारे बिहेवियर से बदबू आएगा, अगर गंदगी को अंदर जाने दिया तो। ऐसे मामले पर ना सुनना ही नहीं है। कोई अगर कह रहा नहीं हमारा तो ये तुम्हारी कंपनी में थाईलैंड 1,00,000 रुपया है, मेरी कंपनी में तो 50 भी है, उसको उसी वक्त बोलो भैया जूता खोल के मारेंगे, चुपचाप निकल जाओ यहां से, चुपचाप निकल जाओ यहां से, तुम्हारे में 50 के 5 पे आया होगा, तुम्हारी कंपनी है ही चिंदी चोर, निकलो यहां से। अगर आपने उसकी बात सुन ली ना, अच्छा 50 पे आया कैसे जरा बताओ तो कैसे, और आप सुनने लग गए, वो बताने लग गया, आप सुनने लग गए वो बताने लग गया, गंदगी जा रही जा रही जा रही, धीरे धीरे कब्जा हो जाएगा। आपको अपने अपलाइन से अलग कर सकता है, आपको अपनी कंपनी से अलग कर सकता है, आपको अपने प्रोडक्ट से अलग कर सकता है, आपको अपने परिवार से अलग कर सकता है, और जिस मोमेंट उसने अलग कर दिया उसकी जीत हो गई और आप हार गए। मजबूत आदमी कि मजबूती इसी में है कि वो अपनों से साथ ना छूटे उसका, जिस दिन अपनों से साथ छूट गया वो कोई भी कब्जा कर लेगा उस पर।